ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है यह एक लड़की। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ जब ये होती है तो आपके काम नहीं बन पाते, आप हमेशा असफल हो जाते हैं और जहाँ पर भी आपको इसका सामना करना पड़ता है वहाँ आपका सारा समय बर्बाद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कहीं आपके आसपास भी तो ऐसी लड़की मौजूद नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये लड़की कभी आपको जीवन में सफल नहीं होने देगी अपने अवगुणों की वजह से। हालांकि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि सभी लड़कियों में ऐसी आदत होती है, केवल कुछ चुनिंदा लड़कियाँ ही ऐसी होती हैं जो इंसान के जीवन में रुकावटें उत्पन्न करने लग जाती हैं। तो चलिए अब इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे विस्तार से कि आखिर वो लड़की कौन सी है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन है, वीडियो अंत तक देखें क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी मज़ेदार होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो हर दिन समय से मिल सके। दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक कर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका सारा जीवन शनिदेव की कृपा पर चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें, कंजूसी बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि के बारे में। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि ये लड़की होती है आपकी सबसे बड़ी दुश्मन। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हर किसी के स्वभाव अलग अलग होते हैं और आदतें भी अलग अलग होती हैं, लेकिन यही आदतें कभी कभी हमारे ऊपर भारी बन जाती हैं। जैसे लड़कियों की मुस्कान और पर्सनैलिटी देखकर लड़के कई बार उन पर फिदा भी हो जाते हैं, लेकिन लड़कियों में कुछ ऐसी आदतें भी होती हैं जो लड़कों के लिए दुश्मन बन जाती हैं। तो देखिए आज हम आपको ऐसी ही लड़कियों के बारे में, उनके अवगुणों के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आपके आसपास स्थित किसी भी लड़की में ये आदतें हैं तो आपकी उसके साथ नहीं जमेगी या फिर आपके बीच ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, जिसकी वजह से आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती रहेगी और जहां भी आप उसके साथ जाएंगे वहां आपकी इज्जत खराब होगी और बस आपको लाइफ में समस्याएं दिक्कतें देखने को मिलेंगी। वैसे भी देखिए कमियां हर किसी के अंदर होती हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो वास्तव में ना शादी के लायक होती हैं ना बात करने के लायक होती हैं, परंतु फिर भी आप इनके साथ रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सी लड़कियाँ आज के ज़माने में ऐसी होती हैं जो काफ़ी एटीट्यूड रखती हैं। यूँ समझ लीजिए कि अगर आप उनसे कुछ चाहत रखते हैं या बहुत सारे लोगों के बीच में आप उनसे कोई डिमांड करते हैं तो वो आपको दुत्कार देती हैं, अपने एटीट्यूड के बल पर सब कुछ भूल जाती हैं, जिससे आपकी भरे बाजार में बेइज्जती हो जाती है। देखिए ऐसी लड़कियों में थोड़ा बहुत एटीट्यूड होना तो अच्छी बात होती है, लेकिन अगर कोई लड़की हर बात पर आपको एटीट्यूड दिखाती है तो समझो वो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। कभी भी वो आपको धोखा दे देगी, कभी भी वो आपको अपमानित कर देगी। तो इसलिए दोस्तों ज़्यादा भाव खाने वाली लड़कियाँ लड़कों को कम पसंद करती हैं, इसलिए अगर आपके जीवन में भी ऐसी लड़कियाँ हैं जो बात बात पर भाव खाती हैं तो आप उन्हें समझाइए कि अहंकार किसी के काम का नहीं होता, और अगर आप अहंकार रखते हैं तो इसके ही जरिए एक दिन आप मुंह के बल नीचे गिरने वाले हैं। इसके अलावा देखिए परिवार की बातें करना भी कुछ लड़कियों की आदत होती है, यानी कुछ लड़कियां अपने घर वालों की बातें बताने में काफ़ी दिलचस्पी लेती हैं, लेकिन लड़के चाहते हैं कि उनके साथ होते हुए ये किसी और की बात ना करे, किसी के बारे में ना सोचे। और दोस्तों अक्सर ऐसा बार बार होता है कि चाहे लड़का तुला राशि का हो या लड़की तुला राशि की हो, यदि वो इस तरह की बातें करती है तो देखिए उसका ऐसा स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, और इस तरह की लड़कियां तो आपके लिए कभी भी सही साबित नहीं हो सकती। इसके अलावा देखिए कुछ लड़कियाँ बात बात पर दूसरों के रोने भी आपके सामने रोती रहती हैं, यानी कभी भी वो आपके साथी के साथ प्यार भरी बातें नहीं करती बल्कि जमाने के सारे दुख उनके सामने रोती रहती हैं। तो ऐसी लड़कियां केवल और केवल नेगेटिव प्रवृत्ति की होती हैं जो सिर्फ नकारात्मकता ही फैलाती रहती हैं। अब देखिए अगर जो उनके साथ व्यक्ति रहता है यदि वो चाहे कि उसे बहुत कुछ करना है तो ऐसी लड़कियों की संगति उनको बर्बाद कर देती है या अपने नेगेटिविटी उनके अंदर भर देती हैं, और उस नकारात्मकता के बाद जब वो असफल हो जाता है तो ऐसी लड़कियां मानो आपकी दुश्मन ही कहलाएंगी। इसलिए देखिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अभी समय रहते संभल जाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, और अपने साथी के बारे में बातें करें, जमाने का जिक्र आप बार बार उनके सामने ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, चाहे ये आदत आपके अंदर हो। इसके अलावा देखिए कुछ ऐसी महिलाएँ भी होती हैं, कुछ ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो बात बात पर बहुत रो देती हैं या
यानी हर छोटी छोटी बात पर रोने वाली लड़कियां लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। लड़के चाहते हैं कि आप हर सिचुएशन का डटकर सामना करें, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो। लेकिन बात बात पर लड़कियां जब रोती हैं तो लड़के परेशान हो जाते हैं, उनसे चिढ़ जाते हैं और लड़के सोचते हैं कि मेरी चॉइस कितनी कमज़ोर है। इसलिए अगर ये इसी तरह से हमारे साथ हमेशा रोती रहेंगी तो हर मुसीबत का सामना कैसे कर पाएंगी, और यदि ये मेरे साथ रहते हुए भी रो रही है तो इसका मतलब ये मुझसे प्यार नहीं करती, इसको मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है कि मैं इसको संभाल लूँगा। यानी इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होती हैं जब लगता है कि यह तो हमारी दुश्मन है, क्योंकि ये हमारे बारे में तो सोच ही नहीं रही हैं, हम तो इनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इसने हमें आजमाया ही नहीं। इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि ये लड़कियां भी आपके लिए ठीक नहीं होती, ये कहीं ना कहीं आपकी दुश्मन कहलाती हैं। इसके अलावा देखिए बहुत सी लड़कियां मेकअप की शौकीन होती हैं, हालांकि देखिए मेकअप करना गलत नहीं है लेकिन हद से ज़्यादा करना लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो चाहते हैं कि उनकी पार्टनर सिंपल हो, सोबर हो, मेकअप वो कम करे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करे, समय का सदुपयोग करना जानती हो। दोस्तों यदि कोई लड़की मेकअप के चक्कर में टाइम लगा देती है तो उसके साथी का कोई महत्वपूर्ण काम भी छूट जाता है, जिसकी वजह से इनकी आपस में नहीं बन पाती और इस तरह की लड़कियां तुला राशि के लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। साथ ही देखिए कुछ ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो हर समय सेल्फी लेती रहती हैं, अपने फ़ोटो लेती रहती हैं, तो क्या आप उनमें से एक हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। यानी लड़कियाँ जो होती हैं जब भी मौका मिलता है वो सेल्फी लेना शुरू कर देती हैं, हालांकि इनमें कोई बात नहीं है। हालांकि देखिए कभी कभी ये आदत तुला राशि के लड़कों को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देती है और कभी कभी तो लड़के लड़कियों की इस आदत से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इतना परेशान हो जाते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना ही बेहतर समझते हैं। अब इसके पीछे देखिए आदत यह है कि ये हर सिचुएशन में अनोखे पलों को जीने से ज़्यादा कैमरे में कैद करना पसंद करती हैं। हालांकि मेमोरीज़ बनाना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन यदि आप अपने साथी के साथ हैं तो उसके साथ आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा उसको दें, समय उसको दें, इस आदत को ज़्यादा उजागर ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि वो आपके साथ है तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उसी को दे सकें और उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकें, खूबसूरत पलों का मज़ा ले सकें। दोस्तों इस तरह की लड़कियां बहुत ही अनोखे विचार की होती हैं, उन्हें बस यादों में जीना पसंद होता है और ये केवल ख्यालों में बातें करती हैं, पार्टनर का ध्यान नहीं रखती, जिसकी वजह से ये ऐसी लड़कियां लड़कों की दुश्मन कहलाती हैं। साथ ही देखिए कुछ लड़कियां भोली भाली होती हैं, बड़ी सिंपल टाइप की होती हैं, जिन्हें देखकर लड़के सोचते हैं कि ये कैसी लड़की है। यानी तुला राशि के लड़के चाहते हैं अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आती है वो थोड़ी सी चालाक हो, थोड़ी सी सिंपल हो, खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो। लेकिन देखिए अगर इस कलयुग में लड़की ज़्यादा सीधी सादी होगी तो कोई भी उसका फ़ायदा उठाकर चला जाएगा। हालांकि अगर लड़की थोड़ी सी भी चालाक होगी, थोड़ी सी अपना रक्षा करना जानती होगी तो ऐसी लड़की आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी मानी जाएगी। लेकिन ज़्यादा भोली भाली लड़कियों से आप दूरी बनाकर रखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, या आपके लिए ठीक पार्टनर साबित नहीं होंगी। इस तरह की लड़कियों से वैसे भी लड़के बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि आखिर उनके साथ ये लड़की हमारे साथ हमारा फ्यूचर कैसे सेट करेगी। यदि आप किसी कारणवश ऐसी लड़की के साथ हैं तो आप हिम्मत ना हारें, बल्कि उनको हिम्मत दें कि वो भी हर सिचुएशन का सामना कर सकें। क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा देखा गया है कि शादी विवाह में जब ऐसे केस आते हैं कि बाद में पता चलता है लड़की जो है वो रुआब जमाने वाली है, हालांकि अपने पार्टनर पर हुक्म चलाने वाली लड़कियां तो होती हैं, लेकिन देखिए ऐसी लड़कियों से अक्सर लड़के दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि लड़कियों को ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती जो उन पर हुक्म चलाती हैं, क्योंकि उनकी भी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। यानी वो विवाह के बंधन में बंध गए हैं तब तो वो सबकी बातें सुन लेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप केवल रिलेशनशिप में हैं, तब ये बातें आपकी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, कुछ बातें इनके सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं। इसलिए ऐसे लड़के इन लड़कियों को अपना दुश्मन मानते हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें चुगली करना भी महिलाओं का सबसे बड़ा अवगुण होता है, यानी अगर आपको चुगली करना पसंद है तो देखिए आपकी आदत बहुत बेकार है, और वैसे भी तुला राशि के लड़कों को इस तरह की लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती जो हर समय दूसरों की बातें करती हैं, चुगलियां करती हैं, बल्कि लड़कों के मुताबिक इस तरह की लड़कियां शक की स्वभाव की होती हैं। अब देखिए आप ही समझ लीजिए कि अगर आपका साथी पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित है लेकिन फिर भी आप उसे शक की निगाहों से देख रहे हैं तो देखिए इससे धीरे धीरे आपके रिश्तों में दरार आएगी और साथ में आप एक दूसरे के दुश्मन भी बनते चले जाएंगे। यानी कुल मिलाकर कहें तो अगर आप किसी की चुगली करते हैं तो ये भी बहुत बुरी आदत है, और यदि आप अपने जीवन में मस्त रहते हैं, अपने जीवन साथी के साथ खुश रहते हैं तो तब तो कोई भी समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हमने आपको बताया है कि तुला राशि के लड़कों की जो सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं उन लड़कियों में इस तरह के गुण होती हैं जिनको आप आसानी से पहचान सकते हैं। दोस्तों हम उम्मीद कर
करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ अच्छी सलाह मिली होगी और आपके जीवन में अगर इस तरह की लड़कियां होंगी तो आप उनसे दूरी बना लेंगे या फिर उनसे जीवन भर आप सावधान रहेंगे, उनसे होशियार रहेंगे, क्योंकि ऐसी लड़कियां जीवन में भी कभी भी आपको सफल नहीं होने देंगी। तो आज ही आप इन लोगों से दूरी बना लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।